झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो 30 अगस्त को बीजेपी का दामन थाम लेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर फैसला हुआ, जिसके बाद से राजनीति गरमाई हुई है। जानकारी के मुताबिक चंपाई सोरेन 30 अगस्त को आधिकारिक रूप से पार्टी की सदस्यता लेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर फैसला लिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर एक फोटो पोस्ट की, जिसके बाद इसकी पुष्टि भी हो गई। इससे पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कि चंपाई सोरेन अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं और आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रात के करीब 11:30 बजे ट्विटर यानी कि एक्स पर लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के दिग्गज आदिवासी नेता चंपाई सोरेन ने कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शर्मा ने बताया कि चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। इसी के साथ साफ है कि चंपाई सोरेन जेएमएम से अलग होकर नया संगठन नहीं बनाएंगे। जाहिर है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई सोरेन का ये कदम सत्तारूढ़ जेएमएम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री चंपाई सोरेन ने पिछले दिनों जेएमएम से बगावत कर ली थी। उनको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा था कि वो सभी विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर आरोप भी लगाया था कि उनका अपमान किया गया है। दरअसल ईडी की कार्यवाही के बाद जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, तब चंपाई सोरेन को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि जब हेमंत सोरेन की वापसी हुई तो उन्होंने चंपाई सोरेन से ये जिम्मेदारी वापस ले ली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।